मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी 2018 की सबसे बड़ी शादी में से एक थी। ईशा की शादी 12 दिसंबर पिरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से हुई थी। इससे शादी में देश विदेश से कई मेहमान आए थे, जिनके स्वागत के लिए किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। शादी की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन कुछ खास मौकों की तस्वीरें देखने के लिए लोग कब से बेकरार थे। और उन्हीं खास लम्हों में से एक लम्हा था ईशा अंबानी की हल्दी का। जी हाँ, और अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि ईशा अंबानी की हल्दी सेरेमनी की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। फोटो में ईशा अंबानी और आनंद पिरामल ने पीले रंग का आउटफिट पहना है, जिसको कुछ घंटों में ही ढेर सारे लाइक मिल चुके हैं। आइए देखें ईशा और पिरामल की बेहद खूबसूरत हल्दी सेरेमनी की ये खास तस्वीरें। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत लग रही हैं ईशा अंबानी, और कहना गलत नहीं होगा कि उनका ये लुक पूरी तरह से रॉयल लग रहा है। उन्होंने लहंगे के साथ फूल वाली ज्वेलरी पहनी है। वहीं अगर ईशा के पति आनंद पिरामल की बात करें, तो उन्होंने भी सब्यसाची मुखर्जी के द्वारा डिज़ाइन की हुई शेरवानी पहनी हुई है। इन्हें स्टाइल देने वाली स्टाइलिस्ट हैं एमी पटेल। आपको बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद पिरामल की शादी में बॉलीवुड से लेकर तमाम बड़े राजनेता भी शामिल हुए। शादी मुकेश अंबानी के मुंबई निवास एंटीलिया में हुई थी, जिसे ढेर सारे सुंदर फूलों से सजाया गया था। वहीं शादी से पहले ईशा का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जोधपुर में रखा गया था, और इस सेलिब्रेशन में भी बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियां देखने को मिली। वैसे आपको ईशा अंबानी की हल्दी सेरेमनी का ये खास लुक कैसा लगा, हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर अभी फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं ईशा अंबानी की शादी से जुड़ी कुछ खास तस्वीरों के साथ, जिसे यकीनन आप भी एक बार फिर से देखना चाहेंगे। तो ये थी खबर ईशा अंबानी की शादी से जुड़ी हुई, उनकी हल्दी सेरेमनी से जुड़ी हुई। इसी खास खबर के साथ ही फिल्मी बीट पर अभी के लिए बस इतना ही।